और रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दरअसल लोकसभा में अब शपथ ग्रहण के दौरान किसी भी तरह के नारे या स्लोगन को लेकर पाबंदी रहेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम सत्रवा संस्करण के नियम 389 के अनुसरण में संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसार कोई भी सदस्य, जैसा कि मामला हो, भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा तथा शपथ या प्रतिज्ञान के प्रपत्र के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं करेगा या कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकेगा। इस विषय पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कई संसद सदस्यों के विरोध दर्ज किए जाने के बाद ही ये फैसला लिया गया है। शपथ के समय किसी किसी एमपीस ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और आदरणीय स्पीकर महोदय को रिक्वेस्ट किया गया है, उन्होंने जो कदम उठाया है हम सब ने अप्रिशिएट किया है। माननीय स्पीकर महोदय ने एक कमिटी गठन करने का ऐलान किया है, उस कमिटी में इस बात का निर्णय होगा कि भविष्य में जो बहुत ही एक ऐसा समय जिसमें कोई राजनीति, कोई स्लोगन, कोई इस तरह का कोई मतलब ही नहीं होता है, ओथ है उसमें लिखा हुआ संविधान में आपका ओथ का एक डिफाइन वो आपका फॉर्मेट होते हैं, उसी को ही पढ़ना होता है, उसी में ही आपको ओथ लेना होता है। तो कई लोगों ने वायलेट किया तो पब्लिक को भी अच्छा नहीं लगा कि इस तरह का एक सोलेम ओकेजन को लोग पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से सब पार्टी इसमें सहमत होगा और अच्छा एक हम लोग इसमें रूल्स आगे सख्त रूल्स बनाएंगे ताकि कोई शपथ लेते समय गलत तरीका व्यवहार ना हो और गलत शब्दों का इस्तेमाल ना हो।